अभी हम आ गए हैं गांव और मतलब सुबह बिना नहाए धोए निकले थे क्योंकि जल्दी की बस थी, तो हमने सोचा कि घर पर जाकर वैसे भी थोड़ी साफ सफाई करनी पड़ेगी, मिट्टी वगैरह हो रखी है, मतलब इतनी ज्यादा गंदगी तो नहीं हो रखी लेकिन फिर भी साफ सफाई करनी होगी, इस वजह से मैंने सोचा कि वहीं जाकर नहा लेंगे। तो हम सीधा बस, और दो दिन से मतलब जब से हम कल से घर से निकले इतनी दिक्कत हो रही है हमें बस की, वहां आते ही हमें फिर वापस बस नहीं मिली, बोला कि आज भी बस नहीं है, फिर भी हम कैसे करके गाँव पहुंचे। तो अभी बस थोड़ी साफ सफाई करेंगे, उसके बाद नहा धोना करेंगे और फिर आज जो जिस मंदिर का मतलब यहाँ मेला है हम मंदिर भी जाएंगे, दादू सा दादी सा की तबीयत भी पूछ कर आएंगे। तो आज शेयर करेंगे आज का पूरा दिन आप लोगों के साथ कैसे क्या निकलता है वो शेयर करेंगे आपको, आपके साथ छोटा सा गाँव का मेला भी, क्योंकि गांव का मेला आजकल कम ही लोगों को देखने, पहले तो सब देखते थे लेकिन आजकल कम ही लोगों को देखने को मिलता है, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे कैसे क्या मेला लगता है। तो पहले थोड़ी साफ सफाई कर लेते हैं, नहाना धोना कर लेते हैं, फिर दादू से दादी साहब से मिलकर आ जाते हैं, फिर आप लोगों के साथ आगे का शेयर करेंगे। तो अभी झाड़ू पोछे का काम हो गया, मम्मी ने झाड़ू लगाई थी, मैंने पीछे पीछे पोछा लगा दिया, तो साफ सफाई इतनी ज़्यादा थी नहीं, सुबह से कर ली तो ना भी ली हूँ मैं। तो अब मैं सोच रही हूँ नमकीन चावल बना लेते हैं क्योंकि ज़्यादा भूख तो नहीं है, रोटी की इच्छा भी नहीं हो रही, तो नमकीन चावल बना लेते हैं। तो मम्मी नहा रहे हैं और मैं नमकीन चावल बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। अभी हम रेडी हो गए हैं मेले में जाने के लिए, तो आए ना हेलो बाबू, हेलो बोलो, धन बोला ला जा। राम राम। आज मतलब जो ये मंदिर है इसका मेला लगा है, तो मतलब सब जो भी है यहाँ गांव के सब थोक वोक लगाने आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारे लड्डू को हमने झूला झूलाया है, बंदी को मैं कैसे करके पकड़ के लेके आई हूँ, मुझे ऊपर बैठना था, इसने मुझे नीचे बैठा दिया, मेरे पैसे खराब कर दिए इस बंदी ने। अब फिर आऊ सारा वीडियो बनाओ
अभी हम मेले से आ गए हैं और आज हमारे हनी का बर्थडे है, तो हम मतलब हमें रास्ते में याद आया कि आज हनी का बर्थडे, तो हम रास्ते में उसे केक भी लेकर आ गए, साथ ही मिला तो हमें पता नहीं कैसा है, लेकिन हम इसके लिए केक लेकर आए हैं। तभी केक कटवा लेते हैं क्योंकि रात को तो बच्चे हैं ना, इस मेले के चक्कर में इधर उधर हो जाते हैं, कभी हम नहीं रहते कभी ये नहीं रहते, तो हमने सोचा अभी शाम के मतलब 5-6 बज रहे हैं, ज़रा केक कटवा देते हैं। करो दोनों साथ में, करो दोनों साथ में, 1 2 3 फूंक लगा दीक्षो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। देखो इसको, देखो इसको, देखो गुड मॉर्निंग खम्मा गणेशा, वेलकम बैक टू माय चैनल उषा राठौड़। कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो हम कल किशनगढ़ से शाम को आ गए थे जयपुर, तो आज मैं यहीं रुकूंगी और कल सुबह फिर मैं हम जाएंगे अपने ससुराल। तो अभी बस उठे हैं, चाय पानी पिया है और यहाँ हमारा बाबू खा रहा है काजू, उसको हमारे लिए बना रही है नाश्ता, नाश्ता करेंगे। यह नाश्ता बन रहा है, मिर्ची कम डाल दी, बहुत तेज मिर्ची डालो थे तो मैं तीखा। मम्मी बर्तन साफ कर रहे हैं, तो आज देखते देखते कहीं जाने का भी प्रोग्राम हम बना सकते हैं, तो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ जो भी होता है। तो अभी बज रहे शाम के 3 और हमने प्लान बनाया गुरुदेव जी को जाने का, और हमारे मोनू मामा भी आए हुए हैं। हेलो बोलो। हमारा दर्शन भी आया हुआ है, मतलब हमारी केब आने वाली है, इनका खाना पीना नहीं बंद हो रहा अभी तक। चलो चलो नीचे चलो, नहीं बेटा तो आपको भी दर्शन करवाएंगे गोविंद देव जी के। अब की बार तो मैं बहुत दिनों बाद गोविंद देव जी को जा रही हूँ, बहुत टाइम हो गए, हमने सोचा मतलब कहाँ चले हैं, अभी धूप भी बहुत आज, तो अभी शाम को हमें 5:15 बजे की आरती होती है, वो आरती भी देख लेंगे, थोड़ा घूम फिर कर भी आ जाएंगे। केव वाले ने हमें मतलब पीछे के रास्ते में छोड़ दिया है, और इस रास्ते में कभी आई भी नहीं हूँ, हम सीधे आते हैं और इसने पता नहीं किस तरह से छोड़ा है, तो समझ नहीं आ रहा, कोई पार्क है पीछे का उस तरफ से जा रहे हैं। तो हमें एंट्री गेट तो दिख रहा है, लेकिन वहाँ कैसे जाए वो नहीं पता चल रहा। का व्लॉग, और हम कल शाम को आ गए थे हमारे घर पे, और मेरे साथ बाबू और पूजा भी आए हैं, लेकिन उनका तो मन ही नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पे अंदर अंदर रहना पड़ता है और बाबू को कोई दिखाई नहीं दे रहा खेलने के लिए, तो वो मतलब परेशान सा हो रहा है।
तो वो बोल रही है आज शाम को जाऊंगी। तो हम जा रहे हैं थोड़ी देर विद्याधर नगर, उसको कुछ छोटा मोटा सामान लेना है तो विद्याधर नगर जा रहे हैं थोड़ी खरीदारी वगैरह करने। चलो चलते हैं लेना, देख लें। तो अभी हम आ गए नेशनल हेयरलूम, यहाँ से पूजा ने 5-6 नेल पेंट वगैरह लिए, क्रेचर देख रही है। तो मतलब इसको ये छोटा मोटा सामान चाहिए था, और इसका बच्चा देख लो पूरा तहस नहस कर देता है जहाँ भी जाता है। दीक्षु इधर देख, दीक्षु हमने थोड़ी शॉपिंग कर ली है, साहब ये बहुत परेशान कर रहा है हमें। तो जो भी इनको शॉपिंग करनी थी वो थोड़ी बहुत वो कर लिए, नहीं छोटा मोटा सामान लेना था वो ले लिया, और अब हम कुछ खाने पीने आ गए। ये भूख लग गई है और धूप में बारिश आ रही है, तो इस चक्कर में गर्मी भी हो रही है बारिश भी आ रही है, समझ नहीं आ रहा। तो कुछ खा पी लेते हैं, पहले पैट पूजा कर लेते हैं, फिर और देखेंगे इनको कुछ लेना होगा तो। और इनका फ़ोन भी ख़राब हो गया है तो वो भी सही करवाना है हमें, नहीं तो पेमेंट किससे करेंगे। दीक्षु तो हमारे पूजा जीजा और दक्षु जाने के लिए तैयार हैं, मौसम ख़राब हो रहा है इस वजह से थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, 5 बज रही है। और हम विद्याधर नगर से आए तो बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, तो अभी रेडी हो गए। बापू का मन नहीं लग रहा, नहीं तो एक दो दिन और रुक जाती। तो अभी हमारे बापू और पूजा भी गए, क्योंकि बापू का बिल्कुल यहाँ मन नहीं लग रहा था, मतलब वो तो ऐसे बहुत ही करने लग गया था उसे परेशान इस चक्कर में, क्योंकि यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहे थे, बच्चे वगैरह कोई नहीं था, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो अभी वो दोनों गए और मैं आ गई हूँ अपने किचन में खाना वाना बनाने, क्योंकि आज मेरा मन नहीं लगेगा। एक सप्ताह हो गया हमें साथ रहते हुए, मैं पिछले मंगलवार को उनके साथ थी, तो आज कल मंगलवार हो जाएगा वापस, तो मन ही नहीं लग रहा। और उसने मेरी बाली भी तोड़ दी है, मतलब मैं सो रही थी, पता नहीं उसके किस बात का गुस्सा आया, एकदम से सज कर दिया उसने, तो मेरी बाली टूट गई नाक की। तो बच्चों का तो यही काम है, तो अभी वो घर पे चले गए हैं मम्मी के घर गए हैं, तो वहाँ एक दो दिन और रुकेगी वो, उसके बाद वो किशनगढ़ जाएगी। तो वहाँ तो उसका मन लग जाता है, क्योंकि वहाँ वो सबको जानता है, यहाँ किसी को जानता नहीं है तो किसी के पास जाता नहीं है, सबसे डर रहा था कुलदीप बना से सबसे, और वहाँ सबको जानता तो वो रह जाएगा। तो अभी मैं बना देती हूँ, मैंने बनाया कुलदीप बना के लिए दलिया, रोटी के लिए आटा लगा दिया है, सब्जी पड़ी है,